और अब बात बंगाल की चुनावी घमासान की। कल चौथे चरण में 44 सीटों पर क्या होंगे समीकरण। अमित शाह ने 3 चरणों में कितनी सीटें जीतने का दावा किया और ममता बनर्जी ने सुरक्षा बलों पर फिर क्यों साधा निशाना। बंगाल इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बंगयुक्त। चौथे चरण में कल बंगाल की 44 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में बीजेपी से बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी, पायल सरकार, शोभंती चटर्जी, यश दास गुप्त जैसे दिग्गज चुनाव मैदान में हैं। तो टीएमसी की लवली मोइत्रा और क्रिकेटर मनोज तिवारी की किस्मत भी दांव पर होगी। आज कोलकाता में अमित शाह मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट खिसकने का डर है, ऐसे में दीदी की बौखलाहट साफ दिख रही है। अमित शाह ने 3 चरणों के चुनाव में 63 से 68 सीटें जीतने का दावा किया। आज कोलकाता में अमित शाह ने ओवैसी के पीएम मोदी की मुस्लिम युवक के साथ वाली तस्वीर पर किए गए तंज का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं ओवैसी भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खिंचा लेते। आज अमित शाह ने बीजेपी के संस्थापक सदस्य समरेंद्र प्रसाद विश्वास के घर पर लंच किया। भोजन के वक्त स्वपन दास गुप्ता और दिनेश त्रिवेदी भी मौजूद थे। इसके बाद अमित शाह ने ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन भी किया। ममता बनर्जी ने आज जमालपुर, मेमारी और बर्धमान में रैलियां की। जमालपुर में उन्होंने आरोप लगाया कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ बीजेपी का समर्थन करती है और बीजेपी हमारे उम्मीदवारों को पीट रही है। ममता ने कहा कि टीएमसी हारी तो सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो जाएंगे। केंद्रीय सुरक्षा बलों पर दिए ममता बनर्जी के बयान पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है और उन्हें नोटिस भेजा है। पूछ बिहार में दीदी ने सीआरपीएफ जवानों के घेराव की बात कही थी। इससे पहले सभी मुसलमान एकजुट होने वाले बयान पर भी उन्हें नोटिस मिला था। 10 मार्च को नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे की सीबीआई जांच कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने के आदेश दिए हैं। अब ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले पर हमला हुआ है। शेखावत के काफिले में शामिल गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। चेतला इलाके में हुए इस घटना का आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया है। आज जेपी नड्डा ने राजारहाट, चकडहा और बर्धमान में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रोड शो किया। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दीदी ने हिंसक घटनाओं को बंगाल की संस्कृति बना दिया है, पर 2 मई के बाद बड़ा परिवर्तन होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।